नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में 11,55,000 मूल्य की चोरी की बाइकों को पुलिस ने जब्त किया। मनेली में एन धर्म सिंह ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटित। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बो में शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए बेलगावी पहुंचे। विधानसभा सत्र से पहले बोले सीएम बोम्मई, विपक्ष के सभी सवालों का प्रभावी जवाब देने को तैयार। काशी में सिर्फ बाबा विश्वनाथ की सरकार, सल्तनतें आई और चली गई, बनारस वही है, पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, मोदी सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं, दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देना चाहिए। अब समाचार विस्तार से, शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन में आज जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने डीएसपी केएम सतीश, थाने की सीपीआई और पीएसआई के नेतृत्व में चोरी हुई बाइकों को जब्त किया गया है, जिसकी लगभग कीमत 11,55,000 रुपए है। इस संबंध में गिरफ्तारियां भी की गई हैं और यह बाइक तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के विभिन्न शहरों से चोरी की गई हैं। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ 22 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸುವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ बीदर तालुका के मनहल्ली गांव में एन धर्म सिंह ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट शनिवार से शुरू हो गया। बीदर दक्षिण कांग्रेस के नेता चंद्र सिंह ने बल्ले से टूर्नामेंट का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। हर साल धर्म सिंह की याद में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। चंद्र सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट में कुल 42 टीमें भाग ले रही हैं, जो आने वाली 24 तारीख तक मैच में खेलेंगे। विजेता टीम को नगद पुरस्कार तय किया गया है। इस अवसर पर अफरोज खान, मोहम्मद गौस, मारुति मास्टर और अन्य नेता उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सोमवार को राज्य विधानसभा मंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए बेलगावी पहुंचे, जो बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा में शुरू होगा। 24 दिसंबर को समाप्त होने वाले सत्र में राज्य सरकार को दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा के साथ एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की उम्मीद है। विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि वह विधेयक का विरोध करेगी, जिसे राज्य के कानून विभाग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने सोमवार को बताया कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बेलगावी में पेश किए जाने की संभावना है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि बिल का एक मसौदा तैयार है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस डर को दूर करते हुए कि बिल का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या धर्म को लक्षित करना नहीं है, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों को शांतिपूर्वक और सहोदरपूर्ण तरीके से अपनी आस्था को सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित बिल को संविधान के ढांचे के भीतर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सत्र में भाग लेने के लिए अपने आगमन पर बेलगावी हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि सरकार उन सभी सवालों और मुद्दों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार है, जो विपक्ष राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उठाने के लिए तैयार है। बोम्मई ने कहा, कानून लाना, जन समर्थक मुद्दों पर बहस करना और उनकी शिकायतों का समाधान खोजना सरकार की प्राथमिकता है। हमारा इरादा कर्नाटक, विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक के समग्र विकास पर बहस और चर्चा करना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है, बाबा विश्वनाथ की सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। आगे पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए, औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। पीएम मोदी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा, सल्तनतें आई और चली गई, लेकिन बनारस वही है। तारीख 13 दिसंबर 2001 की थी। अन्य दिनों की तरह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। भवन में लाल कृष्ण अडवाणी समेत 100 से अधिक लोग मौजूद थे। तभी सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकियों ने संसद भवन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आज इस घटना के पूरे 20 साल हो चुके हैं। देश उन जवानों और लोगों को याद कर रहा है जो इस हमले में शहीद हुए थे। इस हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे। इस हमले से ठीक 3 महीने पहले अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमला किया गया था। संसद हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अफजल गुरु था। उसके साथ SAR गिलानी और शौकत हुसैन था। इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI भी था। 9 फरवरी 2013 को अफजल को हमले के 12 साल बाद फांसी दी गई थी। हालांकि 2 अन्य को बाद में बरी कर दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और वाराणसी में आयोजित भव्य कार्यक्रम पर मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुबारक हो, यह अच्छी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई धर्म बुरा नहीं होता है, इंसान बुरे होते हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि हिंदू असली हिंदू बने और अपने धर्म का पालन करे। शामली में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कैराना से पलायन नहीं हुआ, यह सरकारी प्लान है जिसके बहकावे में न आए। सभी अपनी खेती, मजदूरी और अपने कारोबार पर ध्यान दें। सियासी लोग आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं, इस सियासत से सभी दूर रहें। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद जनपद शामली के कैराना में राकेश टिकैत की महापंचायत व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। महापंचायत में कैराना से हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। मंच पर शुरुआत से ही अल्लाह अकबर व हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए थे। जब राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे तो हजारों की संख्या में किसानों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से। वह किसानों की आंदोलन की ट्रेनिंग थी 12 महीने 13 महीने। वह पूरी ट्रेनिंग इस देश के किसान ने ली, इस देश के नौजवान ने वहां पर ली कि हर मौसम में किस तरह से अपने घर से बाहर कैसे अपने बांस के झोपड़ी बना के हमको रहना है। और आज उसका एहसास होता है कि जिस किसान ने वहां पे बांस की झोपड़ी बनाई,
जब उस झोपड़ी को हटाता है तो उसको दर्द हुआ, जब आंदोलन खत्म होता है तो एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है तो 3 बजे लोग चलने लगते हैं, लेकिन वो दुनिया का एक पहला इस तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन की समाप्ति तो 19 तारीख को होगी थी, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की, लेकिन उसके बाद में भी लोग गए नहीं। और जब वहां समझौता हो गया 9 तारीख में, उसके बाद में भी वहां पे भीड़ बढ़ना शुरू हुई, और बहुत लोगों को कहने के बाद में वे कल 11 और 12 तारीख में आज लोग वहां से निकलना शुरू हो रहे हैं। उनको डर एक चीज का रहेगा हमेशा कि जहां पे हम एक साथ रहे, जिस गांव में हम एक साथ रहे, उस गांव की हमेशा याद आएगी, वो आंदोलन के गांव, वे विचारधारा, वे अलग अलग भाषाओं के लोग, वे हमको दोबारा कहां मिलेंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में FIR दर्ज की गई है। रावत पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब सांसद रावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मतलब मूर्ख है। उस शब्द का अर्थ सभी शब्दकोशों में दिया हुआ है। शब्दकोश सभी सरकार और साहित्यिक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कर दिया गया है। ये बदले की भावना से किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उनका उपचार किया जा रहा है। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। उनके कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामफोसा ऐसे दिनों में संक्रमित पाए गए हैं जब देश में संक्रमण के दैनिक रिकॉर्ड 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले मामलों की संख्या 17,154 थी। देखते हैं समाचार फिल्मों की। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव, करण जौहर सहित कई सेलिब्रिटीज के संग की थी पार्टी। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर, उप कप्तान रोहित शर्मा अभ्यास के दौरान हुए चोटिल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की योजना के विरोध में बैंक यूनियनों ने इस सप्ताह 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में 11,55,000 मूल्य की चोरी की बाइकों को पुलिस ने जब्त किया। मनेली में एन धर्म सिंह ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए बेलगावी पहुंचे। विधानसभा सत्र से पहले बोले CM बोम्मई, विपक्ष के सभी सवालों का प्रभावी जवाब देने को तैयार। काशी में सिर्फ बाबा विश्वनाथ की सरकार, सल्तनतें आई और चली गई, बनारस वही है PM मोदी। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, मोदी सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं, दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देना चाहिए। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।